गिव अवे हमारे टेलीग्राम पे पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और साथ ही में गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले सभी टीमों के बारे में एंड कौन कौन सी टीम ने किस किस खिलाड़ी को रिलीज किया है, तो इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले टीम के बारे में। सबसे पहले टीम निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग की टीम। तो चेन्नई सुपर किंग की टीम ने गाइस डीजे ब्रावो को रिलीज किया है, साथ ही में अंबाती रायडू को, क्रिस जॉर्डन को, मिचेल सैंटनर को, एडम मिल को एंड गाइस एन जगदीशन को गाइस रिलीज किया है आईपीएल 2023 के लिए चेन्नई सुपर किंग की टीम। अब गाइस हम बात करते हैं दूसरी टीम के बारे में। दूसरी जो टीम निकल कर आ रही है उनका नाम है पंजाब किंग्स की टीम। तो पंजाब किंग्स की टीम ने गाइस पे शाहरुख खान, साथ ही में मयंक अग्रवाल, ओडिन स्मिथ एंड गाइस ईशान पोडेल और साथ ही में विनी पॉवेल एंड गाइस पे अल्तेज धंधा को भी गाइस पे साथ में उन्होंने रिलीज किया है आईपीएल 2023 के लिए। अब गाइस बात करते हैं अगली टीम के बारे में। अगली जो टीम निकल कर आ रही है उनका नाम है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने गाइस निकोलस पुरन, साथ ही में केन जेंसन को रिलीज किया है और साथ ही में मार्को जेंसन को भी रिलीज किया है। अब्दुल समद को भी गाइस यहां पे रिलीज किया है आईपीएल 2023 के लिए। अब गाइस हम बात करते हैं अगली टीम के बारे में। अगली जो टीम निकल कर आ रही है उनका नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आईपीएल 2023 के लिए मनीष पांडे, जेसन होल्डर, साथ ही में सहवाज नदीम को गाइस यहां पे रिलीज किया है, साथ में इवन लिविस को भी रिलीज किया है, मनन बोरा को भी साथ में रिलीज किया है, अंकित राजपूत को भी गाइस उन्होंने रिलीज किया है आईपीएल 2023 के लिए। अब गाइस हम बात करते हैं अगली टीम के बारे में। अगली जो टीम निकल कर आ रही है उनका नाम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने गाइस पे टीम सैफर्ट को रिलीज किया है, साथ में के एस भारत को रिलीज किया है, मनदीप सिंह को रिलीज किया है आईपीएल 2023 के लिए। अब गाइस हम बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने गाइस पे एरन फिंच को, साथ में गाइस यहां पे मोहम्मद नबी को रिलीज किया है, अजिंक्य रहाणे को रिलीज किया है, पैट कमिंस को रिलीज किया है, सैम बिलिंग्स को रिलीज किया है आईपीएल 2023 के लिए, साथ ही में गाइस यहां पे शिवम मावी को रिलीज किया है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने। अब गाइस हम बात करते हैं गुजरात टाइटंस की टीम के बारे में। तो गुजरात टाइटंस की टीम ने गाइस यहां पे रहमानुल्लाह गुरवास को, साथ में लॉकी फर्गुसन को जो कि पूरी तरह से ट्रेड किया है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के साथ, उसके बाद गाइस यहां पे वरुण एरन एंड विजय शंकर को रिलीज किया है गुजरात टाइटंस की टीम ने। अब गाइस हम बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के बारे में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने सिद्धार्थ कौल, आकाशदीप एंड साथ में करण शर्मा एंड गाइस यहां पे स्टेफन रदरफोर्ड, डेविड फिली को साथ में गाइस यहां पे रिलीज किया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने। तो गाइस अब हम बात करते हैं आखिरी टीम के बारे में। आखिरी जो टीम निकल कर आ रही है उनका नाम है राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने गाइस यहां पे राजस्थान रॉयल्स की टीम ने देवदा पार्टिकल को रिलीज किया है, साथ ही में नेथन कुंटल नाइन को रिलीज किया, साथ में राशि बेंडे डूसन को रिलीज किया, जेमी निसम को रिलीज किया है एंड गाइस पे करुण नायर को रिलीज किया, बरोका को रिलीज किया है, साथ में डेरी मिचेल्स को रिलीज किया है राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। तो गाइस पे इन खिलाड़ी को रिलीज किया है टीमों ने आईपीएल 2023 के लिए एंड सारे के सारे खिलाड़ी आप सभी को ऑक्शन में नजर आने वाले हैं। तो गाइस इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा एंड वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो गाइस सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।